नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमिसा क्लासेस में। साथियों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के अंतर्गत हम सभी अभी अध्ययन कर रहे थे गुणा एवं भाग की संकल्पना, और आज हम सभी अध्ययन करेंगे कि भिन्न क्या है और भिन्न के प्रकार क्या है। भिन्न के बारे में सारी जानकारी आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पेन कॉपी उठा लीजिए और लिख कर समझने का पूरा प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न को अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और भिन्न की हमने दो तीन परिभाषाएं लिख दी हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली परिभाषा क्या है, वह संख्या जो किसी पूर्ण को कई भागों में बांटती है या व्यक्त करती है उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह संख्या जो किसी पूर्ण को, पूर्ण मतलब जैसे कि संख्या है, क्या संख्या आपका पाँच, ये पाँच क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो पाँच जो है पूर्ण संख्या है, इसको कई भागों में बांटती है। अब देखिए, हमने ऊपर लिख दिया दो, यानी पाँच में पाँच का दोवां भाग, या दो एक बटे के दो, यानी दो में, ठीक है, दो जो है उसमें एक भाग, दो में एक भाग यानी कि एक बटा के दो, पाँच में दो भाग, ये पाँच होल नंबर था, पूरा था, अब इसमें दूसरा हिस्सा लग रहा है, ये दो होल नंबर था उसमें एक हिस्सा लग रहा है, यानी आधे का हिस्सेदारी हो रहा है। तो यही कह रहा है कि वह संख्या जो किसी पूर्ण को कई भागों में बांटती है या व्यक्त करती है भिन्न कहलाती है। या एक दूसरी परिभाषा है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। देखिए, यह कह रहा है कई भागों में बांटती है, किसी पूर्णांक को कई भागों में बांटती है, पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा कह रहा है जो किसी पूर्ण को, पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। देखिए, पूर्ण यानी क्या संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, पाँच है। अब पाँच का दूसरा भाग दर्शा रही है, ये दो का एक भाग दर्शा रही है, ठीक है, ये भी यही दर्शा रही है। यही कह रहा है कि वह संख्या जो किसी पूर्ण को कई भागों में बांटती है या व्यक्त करती है भिन्न कहलाती है, ठीक है। ये पाँच को दो भागों में बांट रही है, दो कई भागों बांट रही है। दूसरी परिभाषा कर रही है कि जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, जो किसी पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाती है, किसी पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाती है। तीसरी परिभाषा क्या है, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भाग पर निकलता है भिन्न कहलाता है। किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर, जैसे ये दो बटा के पाँच है, दो बटा पाँच मतलब क्या है, दो बटा पाँच का मतलब भैया क्या है, दो बटा पाँच मतलब यही ना है कि पाँच यहाँ है और दो यहाँ है, यही ना है, यानी कि हम भाग कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लिख दिए आठ भागे चार, आठ भागे चार मतलब क्या है, आठ भागे चार मतलब यही है कि आठ यहाँ है और चार यहाँ है, तो ये भिन्न बन गया ना। तो यही कह रहा, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भिन्न प्राप्त होता है। यही कह रहा ना कि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भाग फल निकलता है भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यक्ष का भाग दे रहे हैं, किससे, यक्ष का भाग दे रहे हैं वाई से, तो क्या बनेगा, यक्ष ऊपर हो गया, वाई नीचे गया, यही भागफल मिला हमें, तो यह क्या है, ये भिन्न है, ठीक। अब देखिए, और ये परिभाषा मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि कोई भी पूर्णांक जो पी बटा क्यू के रूप में, ध्यान देंगे, जो कोई भी पूर्णांक याद ले देते हैं, यह है ना, ठीक है, कोई भी पूर्णांक जो पी बटा क्यू के रूप में हो लिखा हुआ वह भिन्न कहलाता है, बशर्ते एक शर्त है, यानी कोई भी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी हो भिन्न कहलाती है, लेकिन एक शर्त यह है कि क्यू बराबर वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि गुरु जी एक बटा के जीरो ये भी तो भिन्न है, आप कहते कोई भी संख्या होनी चाहिए तो एक बटा जीरो लिख दे तो ये भिन्न है, नहीं नहीं, यहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला हर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को। आगे बात करेंगे हम, चूँकि एक भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जैसे ये भिन्न है तो ये होता है आपका अंश, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक, ये हर है, ठीक। अब समझेंगे बात को, क्या है अंश और हर, इसको अंग्रेजी में हम न्यूमिनेटर अंश को और डिनोमिनेटर हर को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे कि अंश और हर क्या है, अंश और हर क्या है, तो अगर सामान्य सी भाषा में अगर हम कहें तो अंश क्या है भैया, अंश का है पूर्ण का हिस्सा अंश कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, जैसे पूर्ण है तीन, तीन का एक हिस्सा कौन सा लग रहा है, तीन का एक हिस्सा लग रहा है, तो पूर्ण संख्या तीन में एक हिस्सा, ठीक, तो जो हिस्सा लग रहा है किसी पूर्ण का, जो एक अंश है, जो भाग है, जो हिस्सा है, वही अंश कहलाएगा।
और हर क्या होता है, भिन्न में जो पूर्ण होता है, जो होल नंबर होता है जिसमें से हिस्सेदारी दी जाने वाली होती है उसे हम बोलते हैं हर। जैसे तीन में से तीन क्या है, तीन आपका हर है, तो तीन का राग जो पूर्ण होता है, तीन पूर्ण है ठीक, और उसका जो हिस्सा होता है वह अंश कहलाता है ठीक। यानी हर का जो हिस्सा होता है वह अंश कहलाएगा, समझ गए। और हर क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ठीक है। तो यह बात होगी अंश और हर की। अब हम आगे बढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। देखिए चीज़ें बहुत ही सामान्य है, बस समझाने वाला और समझने वाला तैयार होना चाहिए। अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि अरे ई का पढ़ी है, इससे बढ़िया तो आप खुद ही पढ़ा लें। जब आपके मन में ये भाव आ गया तो मान लीजिए कि कोई भी कितना भी अच्छा अध्यापक आपको पढ़ा ले, आप उससे संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपके मन में पूर्व धारणा आ गई है, पूर्वाग्रह हो गया, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि ई का पढ़िए, इससे बढ़िया तो खुद ही पढ़ा लें। तो यही कहने का मतलब है कि आप समझने का प्रयास करिए ठीक है। तो देखिए यहाँ आगे है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार की बात करें हम तो भिन्न के मुख्यतः प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला है समभिन्न, या इसको बोलते हैं उचित भिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न, इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा हम नोट डाउन कर लेंगे। ऐसी भिन्नों में क्या होता है कि नीचे का हर बड़ा होता है और अंश उससे छोटा होता है, यानी अंश जो है वह हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिनका अंश का मान हर के मान से छोटा हो सम या उचित भिन्न कहलाती हैं। आगे है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या है, विषम भिन्न ठीक सम का उल्टा है। जैसे यहाँ पे ये अंश छोटा था, यहाँ पे अंश बड़ा होगा और हर छोटा हो जाएगा। तो ऐसी भिन्न जिनका अंश का मान हर के मान से अधिक हो वह विषम भिन्न कहलाती है ठीक है। आगे संयुक्त भिन्न। अब देखिए यही एक समस्या आ गई, संयुक्त भिन्न आ गया। तो संयुक्त भिन्न क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और एक पूर्णांक के साथ साथ ध्यान देंगे यहाँ पे एक पूर्णांक होगा ठीक है, एक पूर्णांक होगा और पूर्णांक के साथ साथ क्या होगा, सम भिन्न होगा। क्या होगा, पूर्णांक के साथ साथ सम भिन्न भी होगा। अब एक लड़की, हम डीएलए में पढ़ा रहे थे, एक लड़की हमसे बहस कर गई कि सर पूर्णांक के साथ साथ सम भिन्न नहीं होता है, या विषम भिन्न भी हो सकता है, हमें कैसे विषम भिन्न होगा। तो कह गई कि सर ऐसा है कि देखिए पाँच सही दो बटा सात आपने लिखा है तो कितना होगा, तो आप यहाँ पे यह नहीं कर सकते हैं पाँच सही चार बटा के तीन, हाँ कि इसको बदलो पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस बटा के तीन हुआ, कहे हाँ उन्नीस बटा तीन हुआ, हाँ कि उन्नीस बटा तीन को अब हम बदलेंगे भिन्न में, तीन छक्का अठारह ठीक है एक बज गया, तो छः सही एक बटा के तीन आया उत्तर, छः सही बटा के तीन आया किसका, 19 बटा 3 का। और तुम क्या बता रही हो, तुम बता रही हो 5 सही 4 बटा के 3, तो यह कैसे हो पाएगा, यह तो गलत हो गया। तो यही चीज़ है कि एक पूर्णांक होगा और एक सम भिन्न होगा, न कि विषम भिन्न नहीं होगा, क्योंकि विषम भिन्न अगर होता है तो 4 बटा 3 गलत ना आ जा रहा है, ये तो 6 सही 1 बटा 3 को हम कहेंगे 19 बटा 3 को अगर हमें लिखना है तो 19 बटा 3 को हम 6 सही 1 बटा के 3 लिखेंगे, यानी कि एक पूर्णांक और एक सम भिन्न। और अगर विषम भिन्न में लिख रहे हैं तो 5 सही 4 बटा के 3 हो रहा है, तो यह तो गलत है। तो फिर उसने कहा कि हाँ सर हम किताब लेके आएंगे, अगर ठीक है तुम किताब लेके आना, फिर वो लड़की अगले दिन किताब लाती रह गई क्योंकि वो गलत थी। तो हमें पढ़ना है, जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम तथ्य के साथ पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे ठीक है, और बिना तथ्य के तो अध्यापक से बात कर ही नहीं सकते आप ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि एक पूर्णांक होगा और एक सम भिन्न होगा, तब जाकर के वो संयुक्त भिन्न बनेगी। अच्छा संयुक्त भिन्न को लोग मिश्र भिन्न भी प्रायः कहते हैं, लेकिन मिश्र भिन्न कहना इसे गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मिश्र भिन्न तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है। तो थोड़ा सा अब आगे चलेंगे, इकाई भिन्न आगे है। इकाई भिन्न क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान एक होता है उसे बोलते हैं इकाई भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न का मतलब, जैसे तुल्य मतलब क्या, तुलना करना बराबर। जैसे तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न होती है, ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान एक हो उसे बोलते हैं तुल्य भिन्न, यानी तुलना करने पर मान एक आ जाए। अब कहेंगे तुलना करने पर मान एक कैसे आएगा, तो उसको भी सवाल समझा देते हैं आपको। देखिए तुलना करने पर मान एक कैसे आएगा, समझिए बात को, क्या बता रहे थे, तुल्य भिन्न। जैसे दो बटा तीन है ठीक है, अब ये है दो बटा तीन, चार बटा छः, आठ बटा बारह, काटिए इसको छोटा करिए, हो गया दो बटा तीन, दो तीन, दो तीन, काटिए चार दो के आठ, चार तेई बारह, ये एक आ गया ना, मान एक आया। तो तुल्य भिन्न ऐसी होती है जिनका तुलना करने में मान एक ही आ जाए, ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनका तुलना करने पर आपस में मान एक ही प्राप्त हो, एक ही भिन्न प्राप्त हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। समहर भिन्न, समहर नाम से स्पष्ट है, समहर यानी ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो,
उससे हम समहर भिन्न बोलते हैं। देख रहे हैं हर बराबर है तीनों का, ठीक। अब मिश्र भिन्न की बात करते हैं। देखिए यही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करेगा, चूँकि आप डीएलएड किताब से पढ़ रहे होंगे तो हाँ मिश्र भिन्न इसको दिया होगा ई वाले को। मिश्र भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जिनका अंश और हर अलग अलग होता है, अंश और हर का मान अलग अलग होता है, उसे मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे 4/5 है, ठीक है, तो इसमें अंश क्या है? इसमें आपका अंश जो होगा इस वाले में 4/5 होगा, और हर क्या होगा? इसमें हर जो आपका होगा वह 7 होगा। इसमें अंश आपका 3/2 होगा, और हर क्या होगा? हर 3/10 होगा, ठीक है। तो ऐसी भिन्न जिनमें अंश और हर का मान अलग अलग होता है उसे मिश्र भिन्न बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल में हम मिश्र भिन्न इसी को मानते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। तो यह तो बात हो गई भिन्न के प्रकार की और भिन्न की, ठीक है। अब अगली क्लास में हम सभी अध्ययन करेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और क्लास अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने अन्य कॉलेज के साथियों में भी शेयर करें, जिससे कि हमारे चैनल का लाभ उनको मिल सके। कोई छात्र अगर बीएड कर रहा है राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से, या आपके जो बलिया की यूनिवर्सिटी है उससे अगर कर रहा है वो, ठीक है, उसके बाद GNCU बलिया, हाँ, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया से कर रहा है, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कोई छात्र बीएड कर रहा है, तो उसे भी हमारे चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसको भी हमारी क्लासेस का लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ धन्यवाद। इसी इंसान इसका ले लीजिए आप, ठीक है।